आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू कराऊंगा जो मैं खुद मशीन चला रहा हूँ, बुक कैट जो है ये वाली, तो इसका आज इंशाल्लाह रिव्यू कराऊंगा मैं। इसका अंदर से जो फंक्शन है किस तरह ऑपरेट करते हैं इसको, किस तरह मैं ऑपरेट करता हूँ इसको, तो इसके सारा फंक्शन वगैरह जो है टोटल ही तरीका इंशाल्लाह आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसका। तो पूरी वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के करम और फजल से आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। वेलकम टू दैनदर ब्लॉग, मेरा नाम हली चीमा और आप देख रहे हो ऐसे टेक्निकल ब्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम अभी काम आ गया थोड़ी देर, इसलिए जल्दी आज निकलना पड़ा रूम से, तो नमाज वगैरह पढ़ के नाश्ता वगैरह पकड़ ली है, तो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह निकल रहे हैं मैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह रिव्यू कराऊँगा जो मैं खुद मशीन चला रहा हूँ, बुक कैट जो है ये वाली, तो इसका आज इंशाल्लाह रिव्यू कराऊंगा मैं। इसका अंदर से जो फंक्शन है किस तरह ऑपरेट करते हैं इसको, किस तरह मैं ऑपरेट करता हूँ इसको, तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आ गया इस वक्त स्टैंड पे। तो ये मशीन है, ठीक है, ये वाला बुक कैट जो है, चलिए इसका रिव्यू कराता हूँ आपको मैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो आपने देखनी है, फिर आप वीडियो का आपको समझ जाएगी इसके फंक्शन जो है, ठीक है, किस तरह ऑपरेट करते हैं इसको। इंग्लिश का लफ्ज या उर्दू का, तो जिस भाई को समझ आए तो वो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता करें कि टापा किस जुबान का लफ्ज़ है। तो ये टापा इसका, ठीक है, ये बटन है इसका नीचे ये वाला, इसको ऐसे दबाएं तो ये नीचे खुल जाता सारा ये वाला, ठीक है। ये आ गया इसका इंजन, ये दोस्तों इंजन है इसका। तो ये इसका एयर फिल्टर जो है, इसको इधर से खोल के, तो डबल फिल्टर होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर से इंजन हवा लेता है। तो इसको जब भी काम करें तो काम करने के बाद इसको साफ़ किया करेगा, जो भाई चलाते हैं मशीन को पता होगा, ठीक है, एयर फिल्टर बोलते हैं इसको। तो ये हवा वाला पंप जो है, ठीक है, टायरों में कभी हवा कम हो तो इसकी मदद से, फिर इसकी मदद ली जाती है हवा भरने के लिए। तो ये है इसकी गेज, ऑयल गेज जो है, ठीक है, इसको चेक करते हैं कि ऑयल पूरा है या नहीं, ये वाला है, ये इसकी ऑयल गेज है जितनी, ये वाली, ठीक है जी। तो ये इसकी बैटरी है, सेल्फ बैटरी जो है, ठीक है। तो इधर से डीजल जाता है इस मशीन के अंदर, इधर से डीजल डालते हैं इसके अंदर। तो इंजन का रिव्यू आपने कर लिया, ये इंजन सारा इसके पीछे है, ये इसका क्या उसका नाम बोलते हैं, रेडिएटर जो है, ठीक है, ये रेडिएटर है, ये पानी वाली टैंकी जो इसके अंदर पानी पूरा करते हैं इसका। टापा हमने कर दिया बंद इसका, तो अब करवाते हैं इसका रिव्यू आप। ये इसका हाइड्रोलिक वाला जो है टैंकी जो है, ये इसकी गेज है, इसे भी बहुत ध्यान से चेक करना पड़ता है, इसका कम हो तो बहुत ही बड़ा मसला बन सकता है, हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। तो आ जाते हैं आप इसके केबिन में, ये इसकी पॉकेट जो है जिसकी मदद से सारा काम किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने रखा कूलर अपना पानी वाला जो है, इसे साइड पे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं लीवर इसके, ठीक है, ये वाले, इससे आगे करें, ये दो लीवर हैं ये वाले, दोनों को ऐसे आगे करें तो मशीन आगे जाती है, ठीक है, दोनों को ऐसे पीछे करें तो मशीन ऐसे पीछे जाती है। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में मोड़ना इसको, इसको आगे, इसको ऐसे पीछे, ठीक है, इस तरह ही ऑपरेट होती है ये वाली, आगे पीछे, ठीक है, वो भी आपको फंक्शन समझ आ गया इसका। तो दोस्तों ये इसका पैडल जो है, ठीक है, ये पैडल इसलिए है कि ये पैडल का काम देता है, ये जो आगे पाकेट लगी है ना, पाकेट आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, इसका कंट्रोल इस पैडल के अंदर है, ठीक है। इसका जब मैं ये एडी अपनी दबाऊँगा ना ऐसे, तो वो जो आगे पाकेट है ना वो बंद होगी, ठीक है, जब एडी ऐसे मैं ऐसे दबाऊँगा ना एडी इसको, तो बाकेट जो ऐसे है वो बंद होगी बाकेट, ठीक है। जब एडी इसको ऐसे मैं आगे करूँगा ना, फिर आगे करूँगा इसको मैं, तो फिर ये बाकेट ऐसे खुलेगी, ठीक है। ये आ गया बाकेट का कंट्रोल। तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे मेरी, ये भी पैडल है, ठीक है, एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाला पैडल है वो ये बूम नहीं है, जो ये वाला बूम जो है इसको ऊपर नीचे करता है, ये वाला, ये पैडल जो है, ठीक है, पैडल की एड़ी दबाएंगे तो ये बूम, ये वाला जो है, ये बूम सारा जो है ये वाला, ये ऊपर होगा, ठीक है। अब अगर इसका आगे दबाएंगे, आगे तरफ ऐसे आगे की तरफ इसको प्रेस करेंगे, आगे आगे ऐसे प्रेस करेंगे, तो फिर ये बूम नीचे होगा। दोस्तों ये है इसका
इंजन ऑफ स्विच जो है ऑन ऑफ वाला, तो ये लगाया मैंने शीशा जो पीछे देखने के लिए, ठीक है। तो जब इसको ऑन किया मैंने, तो आप देखेंगे ये डीजल वाली सुई है, ये वाली, ये हीट वाली सुई है कि मशीन कितनी हीट है, ठीक है। तो ये तकरीबन ये पीला निशान देख रहे हैं आप, अगर पीले पे जाए ना तो समझिए आप मशीन बंद कर दें, ठीक है, कि फुल गर्म है, फुल हीट है मशीन ये वाली। तो अब ये नॉर्मल है टेम्परेचर इसका, दरमियान में रहे या एंड तक किधर चली जाए, ये टेम्परेचर नॉर्मल है इसका, ठीक है। तो दरमियान में चली जाए कोई मुश्किल नहीं, अगर पीले या लाल के अंदर आ जाए तो फिर समझे कि खतरे की घंटी बज रही है अभी, तो मशीन फौरी से बंद कर दें आप। फिर ये आ गया इसका डीजल वाला जो है, ठीक है, डीजल ये फुल है और ये नॉर्मल है इधर है, ठीक है। ये आ गया इसके कंट्रोल, अच्छा दोस्तों ये है वो मशीन, पता है वो दूसरी मशीनों के अंदर या ट्रैक्टर के अंदर या किसी गाड़ी के अंदर वो किलोमीटर के हिसाब से नोट होता है, ठीक है, इसका ना घंटों के हिसाब से नोट होता है ये वाला। आप देख रहे हो 5286 घंटा ये चल गई है, ठीक है, 5286 घंटा चल गई है, ये घंटा नहीं, ये किलोमीटर के हिसाब से नहीं, ये घंटों के हिसाब से चलती है, फिर इसको घंटे के हिसाब से नोट करेंगे ये वाला है। अच्छा वीरो ये था बॉकेट का पूरी का कंट्रोल, बॉबकेट जो है, ठीक है, बॉबकेट मशीन है ये सारा कंट्रोल उसका ये वाला। तो वेरी सिंपल यार, कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये वाली, सिर्फ बंदा ध्यान से सीखे तकरीबन 3 महीने के अंदर बंदा सही ऑपरेटर बन सकता है इसका। अच्छा दोस्तों ज़्यादा इसका मुश्किल काम कोई नहीं है, ठीक है, जो नया बंदा ये देखता है पता नहीं ये सोचता कि पता नहीं यार बहुत मुश्किल है ये वाला, तो पता नहीं किस तरह ऑपरेट करते हैं इसको। तो ये सारे आपको दिखा दिया मैंने फंक्शन, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो बूम रोटर के ऊपर बनाऊंगा, जिस तरह पिछली वीडियो में आपको रिव्यू कराया था बूम रोटर जो है, तो वो भी इंशाल्लाह इसके सारे कंट्रोल जो है किस तरह काम करती है, बॉकेट कंट्रोल किस तरह काम करती है इसकी, तो इसका बूम किस तरह काम करता है, तो सारे वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह सारे फंक्शन है उसके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा फिर, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।